दोस्तों सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी और गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। एसिडिटी और गैस में बहुत लोग आजकल परेशान रहते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा खाने की वजह से, कभी नींद ना पूरी होने की वजह से, या और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी से हम परेशान हो जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं और इस विषय में बात करने के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक आयुर्वेदिक रत्न डॉक्टर से। डॉक्टर साहब मित्तल कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं और बहुत ही सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं कि एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम को घरेलू नुस्खों से या आयुर्वेदिक तरीकों से किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है ये खाली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है कि कभी कभी हेरिडिटी की वजह से भी होती है? यह हेरिडिटरी या जेनेटिकली होने वाली बीमारी नहीं है। अच्छा। ये वस्तुतः लाइफस्टाइल के कारण ही उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई घरेलू नुस्खे हैं जिसके करने से जो है इसमें आराम मिले? हाँ, अब यहाँ पर बिना तेल की चीज़ें जिस जो विशुद्ध रूप से इसके मधुर रस वाली हैं, जैसे मनुक्का, खजूर और द्राक्ष, इन औषधियों को लेने से, इन फलों को लेने से तत्काल लाभ मालूम पड़ता है जी। नंबर दो, यदि हम जो है अम्ल रस का सेवन करें, नींबू का सेवन करें, यह जाकर के पित्त को कम कर देता है और तत्काल आराम। तो डॉक्टर साहब नींबू का सेवन कैसे करना चाहिए? एक नींबू लेने के बाद उसे चक्कू से दो दो फांक में काट लेते हैं। हाँ? एक को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इसको वैसे ही चाटते हैं। दूसरा ये है कि एक गिलास में आधा गिलास पानी भरने के बाद में एक नींबू का रस और थोड़ी शक्कर डाल के लेते हैं, यह तत्काल अम्ल पित्त का शमन कर देती है। इससे एसिडिटी कम होती है? तुरंत ही कम हो जाती है। अच्छा। हाँ। कोई और तरीका? दूसरा रास्ता ये है कि द्राक्ष हुआ, खजूर हुआ, मनुक्का हुआ, इन औषधियों को, इन जो है फलों को लेने से तत्काल जो है एसिडिटी कम हो जाती है। फलों को क्या ऐसे ही चबाना है? हाँ, इन फलों को ऐसे ही ले लें, या मनुक्का को रात के अंदर एक कटोरा पानी में भिगा दीजिए और सवेरे जो है उसका सेवन करें, वहाँ पर चबा के। चबाना है और बीज को थूक देना है। अच्छा। हाँ। तो ये कितने दिनों तक करना है तो एसिडिटी जड़ से चली जाएगी? हाँ, लगभग दो सप्ताह करने से एक 95% लाभ मिल जाता है और वहाँ पर ये जो अम्ल पित्त है बहुत तेज़ी से कम होता है। औषधियों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये व्रण रूपक होती हैं। अगर एसिडिटी के कारण जो है आमाशय के अंदर अल्सर बन गया है, यह उसका रोपण कर देती है, हीलिंग कर देती हैं और उसके अंदर जो लाभ मिल जाता है। अच्छा। दूसरे के अंदर इसके अंदर जो है औषधियों के अंदर एक सुवर्ण सूत शेखर औषधि आती है। दूसरा आंवले का उपयोग इसमें सब में ज़्यादा लाभदायक होता है। भारंगी और शुंठी, इनको देने से भी जो है अम्ल पित्त कम हो जाता है, तत्काल लाभ मिलता है। इसमें वमन की इच्छा होती है उसको रोकने के लिए जो है हरडा या त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं। वमन यानी वॉमिटिंग? हाँ, वॉमिटिंग जो है। हाँ। तो वॉमिटिंग वहाँ पर ना हो, दोष को हम नीचे भेज देते हैं। हाँ। जैसे हरडा और त्रिफला से तो नीचे विरेचन हो जाएगा, मल प्रवृत्ति स्वच्छ आ जाएगी, दोष ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए वमन नहीं होगा। तो सर दर्द भी नहीं होगा? नहीं होगा, ऊपर वाली व्यवस्था। अच्छा। तो ये जो आप हरडा और त्रिफला कह रहे हैं आसानी से अवेलेबल है मार्केट में? प्रत्येक मार्केट में आयुर्वेद की औषध में सब जगह अवेलेबल है। इसके अलावा पसारी या किराना की जो दुकान है आजकल वो भी इसको बेच रही हैं, सुरक्षित औषधि। Okay. Okay. डॉक्टर साहब मैंने सुना था कि जो ठंडा दूध है उसको रोज सवेरे पीने से या रात को सोने से पहले पीने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होती है, ये कितना कारगर है? ये जो सच्चा ये शीतल जो दूध होता है इसके अंदर एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसको लेने से, यह चिल्ड मिल्क इसको कहा जाता है, और ये भीतर जाकर के आमाशय को एकदम ठंडा बना देता है और वहाँ की एसिडिटी, ये अम्लता जीरो हो जाती है, तत्काल लाभ मिलता है इससे जो। तो इसको रात को पीना है कि सवेरे पीना है? रात में सोते समय ही इसको लेना चाहिए। दूसरी एक जो है जड़ी बूटी जो है जेठी मत बोली जाती है जी। ये इजीली अवेलेबल है और यह अविपत्यकर चूर्ण के अंदर भी पड़ती है, इसको लेने से तत्काल अम्ल पित्त में आराम मालूम पड़ता है।
आज हमने जाना कि एसिडिटी और गैस जो कि बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसका आयुर्वेदिक नुस्खा और घरेलू नुस्खा क्या है, और ये करने से हमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिलता है, हमें बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस वक्त ये अटैक करती है एसिडिटी, उस वक्त डॉक्टर के पास जाने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि हम इतने सर दर्द से और अपने आप से इतने परेशान होते हैं। तो दोस्तों, इस इन नुस्खों को आप ज़रूर उपयोग में लाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम फिर मिलते हैं इसी तरीके से किसी अच्छी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।